हेलो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में इग्नू के जून 2022 टर्म एग्जामिनेशन और हॉल टिकट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दो अपडेट्स और हैं, काफ़ी तरह तरह की खबरें निकल के आ रही हैं एग्जाम को लेके और हॉल टिकट को लेके, तो इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं इग्नू के सभी ऑफिशियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टेंट अपडेट पाने के लिए मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा सवाल भी पूछा जा रहा है क्योंकि अभी तक आपका हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड नहीं आया है इग्नू का। 22 जुलाई से एग्ज़ाम होने हैं और कई तरह की न्यूज़ भी आ रही है, कोई कह रहा है 29 से स्टार्ट होगा, कई तरह तरह की आपको खबरें मिल रही होंगी। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखो, जो भी आपने इग्नू के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रखा है, जैसे कि इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने अभी ये दिख रहा है, अगर कोई ऐसी बात होगी, एग्जाम पोस्टपोन होगा या रीशेड्यूल होगा, जो भी होगा, सबसे पहले खबर यहीं पे दी जाएगी और ट्विटर हैंडल पेज पे दी जाएगी, जो कि इग्नू का ट्विटर हैंडल पेज है और फेसबुक पेज है, इस पे दी जाएगी और आपके डिफरेंट रीजनल सेंटर के जो फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पेज, उनकी वेबसाइट है, उस पे दी जाएगी। ठीक है, कोई ऐसा आर्टिकल या कोई ऐसी खबर निकल के आती है तो आप उस पे विश्वास मत कीजिएगा। इवन जो है, देखो मैं भी, अगर कोई यूट्यूबर भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन देता है तो इग्नू की वेबसाइट ऑफिशियल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही वो पहले जांचते परखते हैं, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो हम भी जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं इनकी ऑफिशियल सोर्सेज से ही गैदर करके आपके तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो हम भी आपको ऐसे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि आप पैनिक हो जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग हैं, बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स हैं जो छुट्टियां लेके अपना एग्जाम देने आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इतना बड़ा डिसीजन लेना, मतलब रीशेड्यूल कर देना, आगे पीछे कर देना, ये अगर होता तो अब तक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ऐसा फैसला लिया जाता है, वैसा कंडीशन अभी है नहीं। ठीक है, तो अभी जो एग्जाम होने हैं, अगर चेंजेस होते तो अभी तक आपका जो आपका ये डेट शीट, जैसे कि आपको पता है पहले डेट शीट आई थी फाइनल वाली, उसमें फिर से रिवाइज किया गया, तो अब तक ये डेट शीट सबसे पहले रिवाइज हो जाती। ठीक है, फाइनल डेट शीट भी रिवाइज होती है, आपको पता है टेंटेटिव तो कई बार रिवाइज होती है, फाइनल डेट शीट भी कई बार रिवाइज किया जा सकता है अगर ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है तो। ठीक है, तो अभी डेट शीट वही है सबसे पहले, यही सबसे बड़ा प्रूफ है। यहाँ पे आप इग्नू की मेन वेबसाइट पे आएंगे, डेट शीट पे क्लिक करिए तो डेट शीट अभी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और रही बात हॉल टिकट की, जैसा कि मैंने लाइव सेशन में भी बताया था और वीडियो में बताया था, मंडे को अगर नहीं आते तो ट्यूजडे को आ ही जाएगा आपका हॉल टिकट, क्योंकि फिर एक दिन ही रह जाएगा, एक से दो दिन। तो हॉल टिकट आज अगर नहीं आता है तो कल डेफिनेटली शाम तक या फिर दोपहर तक हॉल टिकट आ जाना चाहिए और इग्नू को डाल भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज्यादा पैनिक न्यूज फैल रही है तो स्टूडेंट को एक राहत मिल जाए उनको। ठीक है, तो जहां डेफिनेटली है, अगर आज नहीं आया तो कल डेफिनेटली आ जाएगा आपका हॉल टिकट। ठीक है, तो अभी बिल्कुल भी कोई भी न्यूज पे जो है वायरल हो रहे उस पर विश्वास मत कीजिए, इग्नू का मेन पेज देखते रहिए और इग्नू आप चैनल पे बने रहेंगे तो और जो भी ऑफिशियल अपडेट्स देते हैं उन सबको फॉलो करके रखिए, आपको इंस्टेंट अपडेट मिल जाती है। मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं आप, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर लीजिए, मैं इंस्टेंट अपडेट दे देता हूँ। वीडियो हो सकता है लेट हो जाए लेकिन बाकी जो इन्फॉर्मेशन है प्लेटफॉर्म पे, जो सोशल मीडिया का, उस पर इंस्टेंट मैं दे ही देता हूँ। ठीक है, तो अभी कोई चेंजेस नहीं है, आपके एग्जाम होने हैं 22 जुलाई से ही 5 सितंबर तक, तो कोई अगर इसमें अपडेट आएगी तो मैं बताऊंगा, हॉल टिकट आते ही अपडेट कर दूंगा। अभी हॉल टिकट नहीं आया है, हॉल टिकट के लिए लिंक भी अवेलेबल करा दूंगा इंस्टेंटली जो है कंट्री टैब में, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह पे। ठीक है, तो अभी घबराने वाली बात नहीं है, कल तक हॉल टिकट आ जाएगा और एग्जाम आपके जो है 22 जुलाई से स्टार्ट होंगे। कोई भी अफवाहों पे ध्यान मत दो, आप अपना एग्जाम की तैयारी करो जस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है री रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया फ्रेश एडमिशन चल ही रहा है। री रजिस्ट्रेशन मीन्स नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में एडमिशन लेना और फ्रेश एडमिशन लेना, एक ही बात है लगभग, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। बस ये है कि नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है और फ्रेश एडमिशन एज ए फ्रेश स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, तो अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इग्नू का। तो फाइनली बढ़ा दिया गया है, 31 जुलाई कर दिया गया है। तो अभी आप जो भी स्टूडेंट हैं अपना री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हैं, जरूर कर ले, नहीं तो 6 मंथ 1 ईयर का गैप होता है आपका, तो इस बात का आपका ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन आया है, फीस एग्जामिशन एसटीएसटी स्टूडेंट्स के लिए फॉर फ्रेश एडमिशन एंड जुलाई सेशन का री रजिस्ट्रेशन के लिए, दोनों जुलाई सेशन के लिए है, फ्रेश एडमिशन एंड री रजिस्ट्रेशन के लिए। यह है कि कुछ स्टूडेंट, जैसे कि एसटीएसटी स्टूडेंट है, उनके बीए बीएससी बीकॉम और कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम जिसमें
छूट दी जाती है उनको, ठीक है। तो छूट तो एक ही मिल सकते हैं, चाहे आप बैचलर मिलो चाहे सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलो। तो जो स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री में एडमिशन लिए थे उन्होंने एक बार फीस एग्जम्पशन अवेल किया हुआ, जो बेनिफिट लिया है उसको कंटिन्यू उनके नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में भी किया जाएगा। तो यहाँ नीचे सेकंड वाला पॉइंट आप पढ़ोगे तो वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपकी जो फाइनेंशियल इनकम होनी चाहिए 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, फ्रेश एडमिशन लेते, पेरेंटल इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, पेरेंट्स की इनकम की, ठीक है। तो और बाकी फीस आपको देना पड़ेगा 300 रुपये फ्रेश एडमिशन लेने के दौरान, ठीक है। अगर ये फैसिलिटी किसी स्टूडेंट ने पहले अवेल की है, फ्री एमए एडमिशन उनका हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में जब आप री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। उस बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपने एक बार फैसिलिटी अवेल की है फ्री वाली, तो नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में जब आप रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें भी फ्री ही रहेगा, ठीक है। तो ये तीन अपडेट्स थी खासकर जो है एग्जामिनेशन को लेके थी। तो एग्जामिनेशन को लेके अपने मोबाइल में एक टैब खोल लीजिए इग्नू का मेन पेज, उसको रिफ्रेश करके देखते रहिए। जैसी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आप भी अपडेट हो जाओगे। ट्विटर फेसबुक पेज फॉलो करके रखो इग्नू का ऑफिशियल, हमारा भी फॉलो करके रखो, मैं आपको अपडेट दे ही देता हूं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए सारा इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।